सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सोचिए कैसा लगेगा तुम्हारे घर वालों को जब उन्हें यह पता चलेगा कि किसी एक इंसान के चक्कर में आके तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। खुद ही सोचकर देखो ना, पहले कितने अच्छे थे हर चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, काम में, हर चीज में अच्छे थे तुम। लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? न खाने में मन लग रहा है, ना पीने में, न नींद आ रही, न चैन, और ना ही किसी काम में मन लग रहा है तुम्हारा। मुझे भी बताए और तुम्हें भी बताए ये चक्कर क्या है, ये मांझा क्या है, और तुम खुद भी इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो। इस दुनिया की बहुत ही कड़वी सच्चाई आज तुम्हें बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकती तुम्हारे अलावा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नजर आएगी, किसी और को नहीं। इसलिए किसी और से उम्मीदें लगाना बंद करो और अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करो। अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है एक इंसान के कारण तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे? मुझे पता है कि दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन यदि तुम्हें चोट लगी है और तुम किसी भी महानतम डॉक्टर के पास चले जाओ, अभी के अभी उस चोट को ठीक नहीं कर पाएगा। वो कितनी भी अच्छी दवाई दे देगा, दवाई खाना पड़ेगा, समय लगेगा, और वो समय तुम्हें देना पड़ेगा। उस घाव को ठीक करने के लिए समय देना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। और जितना बड़ा घाव उतना ज्यादा समय लगेगा। अभी भी उस घाव को लेकर बैठे रहोगे और रोना रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो मुझे छोड़कर चला गया या चली गई, तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे। हर इंसान की जिंदगी में ये दुख तकलीफ है, लेकिन जो इसका रोना नहीं रोते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही होगी और तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो, लेकिन याद रखना रिश्तों की माला यदि एक बार टूट जाए और उसे वापस बनाओगे तो वो छोटी पड़ ही जाएगी। तो अब ये सब फालतू की बातें सोचने की बजाय ये सोचो कि अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना। कहा था ना उसने तुम्हें कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तो क्या सही साबित कर दोगे उसे? क्या सच में तुम वैसे ही हो जैसे वो तुम्हारे बारे में सोचते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करके दिखा सकते? और यदि वाकई में ये सच है कि तुम में हिम्मत नहीं है तो बंद कर दो इस वीडियो को, क्योंकि सुनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आग है अंदर कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस वीडियो को तब तक देखना जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम खुद से वापस न ले लो। याद है ना कितना जलील किया गया था तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई गई थी। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें भूल जाना है वो सब या फिर उन्हें उनकी औकात याद दिलाना है। मुझे नहीं पता कि तुम खुद का कितना सम्मान करते थे, खुद को कितनी इज्जत देते थे, लेकिन आज के बाद याद रखना खुद का सम्मान सबसे पहले। यदि तुम्हें लग रहा है कि भूलना मुश्किल है और नहीं भूल पाओगे, तो कौन कह रहा है भूलने को? मत भूलो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और इतना आगे बढ़ाओ कि पूरी पृथ्वी पर चाहे वो कहीं भी हो, जब तुम सफल हो तो तुम्हारी सफलता की गूंज उसके कानों में सुनाई पड़े। तो चलो एक काम करो, जिसे भी अपनी सफलता की गूंज दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, उसके नाम का पहला अक्षर कमेंट बॉक्स में जाके लिखो और अपने आप से वादा करो कि अब तुम नहीं रोओगे, रोएंगे वो जो तुम्हें रुलाने आए थे। यदि बात दिल तक पहुंची हो तो शेयर कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।